दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारी जो हैवी साड़ियाँ होती हैं या हमारी जो सिल्क की साड़ियाँ होती हैं जरी वाली, उन्हें हम घर पर किस तरह से वॉश करें। बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ। वैसे हम चाहें तो ड्राई क्लीन के लिए दे सकते हैं, परंतु कई बार ड्राई क्लीन का भी बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, तो क्यों ना ही हम घर पर ही इसे साफ़ कर लें। बहुत ही आसान तरीका है। तो इसके लिए मैंने एक टब में पानी लिया है। कभी भी आपको हैवी कपड़े, चाहे वो बच्चों की ड्रेस हो, चाहे हमारे हैवी सूट हो, साड़ियाँ हो, जरी वाली हो, सिल्क वाली हो, कभी भी आपको डिटर्जेंट से उन्हें वॉश नहीं करना है, आपको उन्हें धोना है शैम्पू से। कोई भी शैम्पू ले सकते हैं, किसी भी कंपनी का आप शैम्पू लें। केवल एक चम्मच आपको शैम्पू चाहिए एक साड़ी के लिए। तो मैं यहाँ पर मैंने एक छोटा सा शैम्पू का पाउच लिया है, वो मैं इस पानी में डाल रही हूँ। यदि आपके पास शैम्पू की बोतल है तो आप बोतल से एक चम्मच डाल सकते हैं। साथ ही मैंने ये हेयर कंडीशनर लिया है। यदि इसकी भी बोतल है तब तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हेयर कंडीशनर के भी पाउच आते हैं मार्केट में। ये हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि हमारे जो सिल्क की साड़ी है या जरी वाली साड़ी है उसका कपड़ा हमारा सॉफ्ट रहे। सॉफ्टनेस के लिए मैंने यहाँ पर हेयर कंडीशनर का यूज़ किया है। धोने के लिए हमें सिर्फ शैम्पू की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ों को मिक्स कर दिया है। शैम्पू लिया है मैंने साड़ी को धोने के लिए, ये बॉटल से भी शैम्पू डालकर आपको दिखा रही हूँ, और एक चम्मच मैंने हेयर कंडीशनर लिया है। इससे हमारे कपड़े बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं। आप किसी भी कपड़े में हेयर कंडीशनर का यूज़ कर सकते हैं यदि उस कपड़े को आप सॉफ्ट बनाना चाहते हैं तो। तो इस तरह से मैंने दोनों चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब इससे हम अपने हैवी साड़ियों को, हैवी सूट को वॉश करेंगे। डिटर्जेंट से जब हम वॉश करते हैं तो एक तो कलर फेड होता है और साथ ही साड़ी या जो हमारी ड्रेस होती है वो थोड़ी सी सिकुड़ सी जाती है। परंतु जब हम शैम्पू से इसे वॉश करते हैं, और वो भी हेयर कंडीशनर मिक्स करके करते हैं, तब यह बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती, बिल्कुल भी श्रिंक नहीं होती। कभी भी हमें महंगे कपड़ों को इस तरह से डुबा कर नहीं रखना है। दोस्तों आपने देखा, मैं जैसे ही शैम्पू के इसमें डाल रही हूँ, थोड़ा सा कलर निकलना शुरू हो रहा है। ब्लू कलर है, ब्लू कलर हमेशा निकलता ही है वैसे। अब हमें इस साड़ी को हल्का हल्का सा फॉल की साइड से रगड़ना है। हम पूरी साड़ी को नहीं रगड़ेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा जरी है और मोती लगी है तो निकल जाएगी। तो मैं सिर्फ फॉल के हिस्से को, क्योंकि नीचे का हिस्सा ही ज़्यादा गंदा होता है साड़ियों का, तो फॉल को हल्का हल्का सा दोनों हाथ से रब कर रही हूँ। और चार पांच बार मैंने साड़ी को इस तरह से ऊपर नीचे कर दिया। बहुत ज़्यादा इसे ताकत नहीं लगाना क्योंकि नाजुक होती हैं ये साड़ियाँ, और वैसे भी हमारी हैवी साड़ियाँ बहुत ही जल्दी कट जाती हैं, इसलिए ज़्यादा इसे आप रगड़ के ना धोएं। बस हल्के हाथों से मैंने इस तरह से धोया है, और बिल्कुल भी ज़्यादा देर आपको डुबा कर रखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो उतना ही ज़्यादा कलर निकलेगा। हैवी कपड़ों को आपको तुरंत वॉश करना है, और हो सके तो वॉशिंग मशीन में इन्हें कभी नहीं धोएं। वॉशिंग मशीन में धोने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसे बस इसी तरह से फटाफट आप धो लें और तुरंत ही साफ़ पानी से खंगाल लें। अब आप पानी देख सकते हैं, बिल्कुल ही साफ़ पानी है, बिल्कुल भी इस साड़ी का रंग नहीं जा रहा है। इस तरह से मैंने एक से दो पानी इसे खंगाल लिया है। हमें इसे बहुत अच्छी तरह से खंगालना भी ज़रूरी है कि ज़रा भी शैम्पू ना लगा रहे। तो आप देख रहे हैं, इस तरह से मैंने अपनी सिल्क की जरी वाली जो मेरी साड़ी है उसे मैंने बहुत अच्छी तरह से धो लिया है। आप कोई भी अपना हैवी सूट या भारी कपड़े धो सकते हैं। थोड़ी देर मैंने इस तरह से इसे नल के ऊपर लटका दिया है कि थोड़ा पानी निथर जाए, क्योंकि हमें इन्हें निचोड़ना नहीं है। ज़्यादा देर हम निचोड़ेंगे तो भी सिल्क की साड़ियाँ कई बार कट जाती हैं, इसलिए मैंने इसे निचोड़ा नहीं है। अब मैं इसे चारों तरफ दीवार पर अपनी फैला दी हूँ ताकि अच्छी तरह से यह सूख जाए। और जो हमने हेयर कंडीशनर का यूज़ किया है, इससे ये जो सिल्क की साड़ी है बिल्कुल ही सॉफ्ट रहेगी। अब आप देख रहे हैं, इस तरह से मैं इसे हल्के हाथों से झटक रही हूँ कि बिल्कुल भी रिंकल्स ना रहें। और इस तरह से आप कोई भी अपना हैवी सूट, हैवी जरी वाली साड़ियाँ, सिल्क की साड़ियाँ, सिल्क के सूट, आप इसे धो सकते हैं और बिल्कुल नए के जैसा इसे लुक दे सकते हैं। तो दोस्तों ये तरीका था, इस ट्रिक को आप ज़रूर फॉलो करें। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है साथ ही साथ मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब। सो कमेंट करके मुझे आप जरूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा।